Believe in you. Ye log, I think greeting cards were very popular as a form of donation. So all my childhood I remember कि माँ बाप यही कार्ड्स खरीदते थे और जो एनुअल हैप्पी न्यू ईयर मैरी क्रिसमस सीजन ग्रीटिंग्स का कार्ड जाता था वो यहीं से जाता था. तो मुझे पता है कि काफ़ी समय से क्राई बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड हैप्पी चिल्ड्रन आर द फाउंडेशन ऑफ अ हैप्पी सोसाइटी. सो आई एम हैप्पी टू बी हियर. इन फैक्ट इट्स वंडरफुल कि ये जो दिन स्थापित हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जिसके तहत क्राई फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं आल्सो उनकी कहानियां उनकी हैप्पी स्टोरीज हम शेयर करेंगे एंड वी आल्सो हैव अ कॉन्टेस्ट ऑन बिग एफएम व्हिच बाय व्हिच हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं. आप अपनी कहानियां हैप्पीनेस वाली शेयर कीजिए और हम पांच हैप्पीनेस हीरोज को सिलेक्ट करेंगे टू मीट एंड ग्रीट आरजे रानी. आप मुझे अपनी अपने बचपन का एक बहुत मतलब बेइंतहा हैप्पी मोमेंट दे. मेरे बचपन में तो थैंकफुली बहुत सारे मोमेंट्स काफ़ी खुशी वाले थे. मुझे बस ये याद आता है कि बचपन में मुझे बचपन से ही एक्टिंग वैक्टिंग का शौक था. तो जब मैं 3 या 4 साल की थी तो मैं अपने मेरे पिताजी उस समय घर से गोलू थे तो मैं अपने पेट में दलिया डाल के और मुँह पे दाढ़ी बना के उनकी एक्टिंग करती थी और सब लोग बहुत हंसते थे. तो मुझे लगता था कि नो एक्टिंग इज सो पावरफुल आई कैन मेक पीपल लाफ एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लाफ्टर एंड हैप्पीनेस बिकॉज इट्स एक्चुअली दिस इज फॉर द 20th व्हिच इज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे. तो सब लोग अपना दिल थोड़ा खोल के क्राई को डोनेशन भी दीजिए. इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस एंड या. अच्छा मैं जल्दी से एक हमारा चाइल्डहुड वेरी हैप्पी बचपन शाहरुख खान बचपन से अच्छा वन टीचर दैट मेड यू वेरी हैप्पी यू टू हैव दिस टीचर कॉल्ड चित्रा सुब्रमण्यम शी वाज अ हिस्ट्री टीचर सो शी मेड एवरीबॉडी बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल इन अ वेरी बैटल फैक्टर वन खाने की चीज दैट मेड यू वेरी हैप्पी लाइक यू Still does, yeah. राजमा चावल मम्मी के One childhood friend who made you very happy. I had a friend called Dolly. And then one day she just moved. So Dolly, if you're watching this, we haven't met since we were 7 years old. So yeah. One film that made you very happy. As a kid. Yeah. Mr. India. क्या बात कर रहे हो? Really? Yeah. One एक रिश्तेदार मम्मी पापा के अलावा दैट मेड यू वेरी हैप्पी माय मासी या टेल मी अबाउट वेल शी वाज जस्ट फुल ऑफ लाफ्टर शी वाज ऑलवेज क्रैकिंग जोक्स प्लेइंग प्रैंक्स. तो इवन दो शी वाज माय मम्स यंगर सिस्टर और उन्हीं के आसपास की उम्र की थी बट शी वाज मोर लाइक अ फ्रेंड टू मी. वन हॉलीडे दैट मेड यू हैप्पी बचपन का. मैं अपनी गर्ल गैंग के साथ मसूरी गई थी बचपन में. दैट वाज वेरी पीछे मतलब वन स्कूल की शरारत दैट मेड यू वेरी हैप्पी स्कूल बंक करना तो बंक Thank you so much, Richa. I would also like to invite Praveen, spokesperson from CRY, who does such an awesome job as you know to start this initiative, and I would also Praveen, tell me what made you ये इनिशियल सोचा है और क्या इसके तहत आप क्या क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग पूरे भारत में काम कर रहे हैं और लगा कि हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर क्रॉस कंट्री. शिक्षा पाना है तो हैप्पीनेस होना जरूरी है. अगर बच्चा खुश नहीं है और आप स्कूल लेके भी जाएंगे तो बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे. बच्चे को प्रोटेक्टिव करना पूरी तरह से एनवायरमेंट ऐसा हो जाए बच्चा प्रोटेक्टेड है. अगर बच्चा प्रोटेक्टेड है तो खुश है. तो हर एंगल से अगर आप देखेंगे तो हैप्पीनेस इज द कोर फॉर एवरीवन एंड इट इज फॉर एवरीवन. इट इज मोर फॉर द चिल्ड्रन. दैट्स व्हाई वी थॉट कि ये दिन हम लोग अटेंशन लाएं और सबके ध्यान में लाएं कि हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ और क्रिएट करें हैप्पीनेस एक बच क्रिएट करें अपने पूरे मुंबई में जिसमें ये बच्चों के साथ जब हम बात करें तो एक हैप्पीनेस क्रिएट करें बच्चों के चेहरे पे खुशी लाए इस तरह का कोशिश करने की हम लोग. क्या क्या चीजें जो आप बच्चों के लिए करते हैं? आई वुड लाइक द वर्ल्ड टू नो एज अ फाउंडेशन जो क्राई कर रहा है बच्चों के लिए टू मेक देम हैप्पी.
यस तो एक तो मैं उन बच्चों के साथ करता हूँ जिनके साथ थोड़ा कम उनके सराउंडिंग उनको हैप्पी नहीं होने देता है, तो उन बच्चों के साथ खास करके ध्यान करता हूँ कि बाकी मैं उम्मीद कर बाकी सब बच्चे हमारे ही बच्चे हैं लेकिन उन बच्चों पर खास ध्यान। तो क्या करता हूँ उनका एक पूरा मॉड्यूल बना, पूरा मॉड्यूल ऐसा जिसमें उनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरा थीम होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही हैप्पी प्रोसेस होगा। क्या करेंगे कि उनको लेके जा करके मैम जैसे सेलिब्रिटी से मिलेंगे, उनकी जो खुशी अगर आप बात करेंगे उनसे तो उनकी खुशी का लेवल अलग है। अच्छा रिचर्ड टेल मी एक टिप बताओ इन बच्चों को दैट यू फील कि बड़े होकर विल मेक देम वेरी हैप्पी जो तुमने अपने बचपन से सीखा। ये बच्चों बड़ों सबके लिए टिप अच्छा है। जैसे बचपन में हमें कुछ पता नहीं होता ना, हम हर रोज उठते हैं और रोज खुश होते हैं, हमारी टेंशन छोटी होती है कि आज होमवर्क हो गया, मम्मी मारेगी नहीं, हर दिन को उस दिन की तरह ही जीना, आगे की ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं है, किसी को पता नहीं कल क्या हो जाए, और पहले की बात भी सोच के दुखी नहीं होना, यही मुझे लगता है लिव इन द प्रेजेंट बोलते हैं, इस पल में जीना, हर रोज खुश रहने का निर्णय लेना, ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। ओके और पीछे जो लोग शोर मचा रहे हैं गाइस फॉर इनवाइटिंग अस टू ऑफिस एंड क्रिएटिंग अ रकस इन द बैक वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस इज गोइंग ऑन। आई वुड आल्सो लाइक टू इनवाइट प्रवीण जी प्लीज टू गिव रिचा हमारी तरफ से अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। प्रवीण Okay, what flowers did you have? What color? What color flowers and what exact flowers did you have? These two actually orchids and lilies. Yeah. One subject that made you happy, school mein. School mein I think history. History. And one subject that did not make you happy at all. Chemistry. We have a cake with us which we would like to cut right now. बच्चों से कट रहा है। And you would like to ask? Yes, the first बच्चों को तो बोला नहीं है। आई आई। नहीं ना थोड़ा पार्टी है ना। ये थामा तुम भी कैमरा वर्ती करा। और नहीं उसका फुल वर्ती है। आई मेरा कैमरा वर्ती करा। फुल वर्ती है। खालून पन बैठे। दादा खाली बस ना। नहीं दादा कुछ नहीं है ना। भाई इसको लाइक आ रहा है। नहीं वो। हाइट नीचे करना है। ऊपर क्यों पड़ रहा है? हो गया आधा खाली बसा कटे मोबाइल एक्सक्यूज मी मैम मोबाइल यहाँ पे भी टीचर जी यहाँ पे सेंटर में राजा के जा।
आगे लगाने देते नहीं प्रॉब्लम चलो भाई नारायण नारायण अच्छा ये तो मोबाइल में निकल ऐसा इधर आना रिचा जी सिर्फ लड़के थे छोटे थे उनके साथ आ जाओ आ जाओ हाँ आप आधे आधे लोग बैठ जाओ आधे लोग दोस्त बैठ जाओ मैम ये वन मोर ईयर मैम ये रिचा जी सेंटर चलो बैठो 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 अरे चलो बसा रहे खाली मैं वीडियो के लिए ये चला था खाली बसा नारायण अरे खाली गया ना था गया ना थोड़ा खाली रिचा जी सेंटर में अरे क्या है रिचा जी इधर रिचा जी वेट रिचा जी इधर देखा नहीं थैंक यू थैंक यू Yes. Namaste. Guys, yeah. अरे please, अरे मनीष, आपने अल्लाह मजा रखा है. बेटा, good to see you. What is the first reaction जब try के लोग आप तक पहुँचे कि वो चाहते हैं कि आप हिस्सा बने और बच्चे बहुत खुश भी हुए आपसे मिलकर. ओ बच्चे तो उनकी उनका नेचर ही कुछ ऐसा होता है सबसे मिलके खुश हो जाते हैं और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं बचपन से खुद किराए के काम से वाकिफ़ हूँ और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे तो हम सब साथ में इसलिए आए यार मुझे शोर से बहुत दिक्कत होती है तो बदतमीजी है कि लोग पीछे इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आता सॉरी इवेंट एक्साइटिंग है काफ़ी स्वीट है अलग भी है और बच्चे समाज की नींव होते हैं कभी आप चाहे क्रिमिनल हो चाहे वर्ल्ड लीडर हो उनकी वहाँ तक जाने की जर्नी बचपन से शुरू होती है कि बचपन में उनके साथ क्या हुआ उन पे क्या बीती कुछ अच्छा कुछ बुरा ऑल दोज थिंग्स मेक अ चाइल्ड एंड देन दे मेक अ सोसाइटी That's why it's important to support initiatives like this. हाँ तो बाप की जिम्मेदारी पहले हटा दो सवाल से बाप तो है ही अच्छा नहीं फादर तो है ही है नहीं होता ना काफ़ी अगर हम स्टोरीज में जाएं तो पता चलता है कि बाप के ना होने से क्या क्या बीतती है
बच्चों पे, या बाप अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं पूरी करता तो क्या बीतती है बच्चों पे. मदर इज़ ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट, अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी चाइल्ड्स ग्रोथ एंड इन द ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी. आपका सवाल क्या था? माहौल से ज्यादा अगर मुझे अभी पता है कि मेरे घर में जो लेडी काम पे आती है उसका पति रोज उसको दारू पी के पीटता है, बच्चे पे क्या बीतती होगी? वो 4 साल का है, 5 साल का है, बड़े होके क्या वो सेम बिहेवियर को मॉडल करेगा या क्या करेगा, क्या सीखेगा? वो सब जरूरी है. उसमें सिर्फ माँ नहीं, बाप का भी हाथ होता है. ज्यादातर बाप का जो मैंने देखा है उसमें तो मैं यही देख रही हूँ कि उसका हाथ रहता है, परवरिश कैसी होती है उस पर, एंड दैट अफेक्ट सोसाइटी. बिल्कुल, इतना हट के सवाल तुमने सोचा कैसे? कभी सुना ही नहीं था मैंने कभी. माई बैड हैबिट, आई थिंक आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट. आई ऑलमोस्ट फिनिश मैनी थिंग्स एंड देन आई स्टॉप. So that is a bad habit. Good evening, haircut. Oh, sorry, sorry. Oh, I'm so sorry to hear. अलग से बात करते हैं इसके बारे में. नहीं नहीं नहीं, कोई इनकन्वीनियंस आपकी वजह से थोड़ी हुई. Can be given to others, and is it equally important to yourself be happy? Actually, ये तो बहुत सिंपल सी बात है. अगर मैं, मेरे पास खुद कुछ संपत्ति या कुछ पैसे नहीं है तो मैं भिखारी को क्या कुछ दूँ? तो खुद खुश होना ज़रूरी है, खुद से प्यार करना ज़रूरी है, तभी आप दुनिया में ये सारी चीज़ें बांट सकते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरतें समझें, हम समझें व्हाट मेक्स अस हैप्पी एंड वी स्टे ट्रू टू दैट. क्योंकि लालच का, ग्रीड का, एम्बिशन का कोई अंत नहीं होता. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड हैप्पीनेस विद इन, यू नो, स्पेशली इन आर फील्ड जहाँ एक फ्राइडे कुछ होता है, अगले फ्राइडे कुछ होता है, एवरीथिंग इज सो अनप्रिडिक्टेबल. देयर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू फाइंड हैप्पीनेस इनसाइड. आई एक्चुअली आई एम क्वाइट अ हैप्पी पर्सन. ओह थैंक यू, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. आई थिंक मेरा काम मुझे काफ़ी खुशी देता है. मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरी बिल्लियाँ, मेरे जो शौक हैं, वॉट एवर लाइक माई हॉबीज आर, लाइक म्यूजिक, आई लाइक टू राइट, अपार्ट फ्रॉम माई वर्क, यू नो, थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी. आई थिंक वी ऑल सम हाउ लूज ट्रैक ऑफ दैट. पैसे के पीछे भागते रहते हैं, फिर लाइफ इज सो फिकल, यू कैन डाई ओवर नाइट, यू नो. सो आई फील लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ट्रू एंड हैप्पी एवरी डे. थैंक यू. अच्छा, थैंक यू, थैंक यू. मस्ट बी द किड्स, यू नो, किड्स ऑलवेज हैव गुड एनर्जी. काफी मिस किया हमने इन दिनों में आपको, आप मतलब आपकी एक फिल्म भी आई जी, इसके दौरान भी हम कहाँ ढूंढ रहे थे, कहाँ है रिचा? वो एक्चुअली मैं थी नहीं यहाँ पे, तो मैं काफी इंटरव्यूज पहले करके निकल गई थी. और आपको पता है फिल्मों की डेट, रिलीज डेट शिफ्ट हुई थी जनवरी से, इनफैक्ट दिसंबर से होती आ रही है, इसलिए मैं, मेरा पहले से प्लान था, अदरवाइज आई वुड हैव लव्ड टू बी हियर फॉर द होल प्रमोशन. कई पिक्चर्स देखे आप, मतलब अब्रॉड में थी, हॉलीवुड मतलब रेड कार्पेट्स वगैरह पे, कैसा अनुभव रहा आपको? रेड कार्पेट तो मैंने किया नहीं, मैं तो एक्चुअली प्लस वन की कैपेसिटी में गई थी, तो आई केप्ट वेरी लो प्रोफाइल. बट मुझे मज़े बहुत आए ऑस्कर की सारी पार्टीज अटेंड करने में. सभी से, इनफैक्ट ऑफकोर्स जो नॉमिनीज थे, जो विनर्स थे, उनसे. और ऐसी पार्टीज में नेटवर्किंग की भी अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप दुनिया भर के आर्टिस्ट से मिलते हैं. इतना आसान नहीं है बाहर फिल्म मिलना, क्योंकि वहाँ एक्चुअली यहाँ से कम लोग हमें जानते हैं ऑब्वियसली. उसमें थोड़ा वक्त लगेगा पर हो जाएगा. हमारी विशेस हैं आपकी, जल्दी हम देखें आपको. थैंक यू. व्हाई नॉट हु विल नॉट बी इंटरेस्टेड? हॉलीवुड के नाम पे हमने 5-6 इंडस्ट्रीज बना दी, बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, लॉलीवुड.
तो ओरिजिनल में काम करने में तो मजा आएगा। जी जी आई थिंक तो एक तो लड़कियों को महीने में दो दिन डिप्रेशन तो रहता ही है, उसको हम PMS कहते हैं, और आप सब उससे वाकिफ हो जाएं तो अच्छा रहेगा, हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। दोज आर लाइक हार्मोनल इंड्यूस्ड मूड चेंजेस। एंड ऑफ कोर्स मैं तो हफ्ते में एक दिन मैं डिप्रेस हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि आई डिडंट अचीव दिस और आई कुड हैव डन दिस बेटर, या इस फिल्म का ये होना चाहिए था इतना अच्छा नहीं हुआ, या ये बहुत अच्छा हो गया, आई एम नॉट गेटिंग माई ड्यू, वो सारे ख्याल दिमाग में आते रहते हैं। और इट्स नेचुरल, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट जस्ट हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव दोनों आते हैं। बट जो जब आप लो होते हो, जब आप दुखी होते हो, या जब आप गुस्से में होते हो, मुझे ये लगता है कि उसको फील कर लेना चाहिए। अगर आपको दुख हो रहा है तो रो लो, गुस्सा आ रहा है तो चिल्ला लो, तकिए में चिल्ला लो, पर गेट दैट फीलिंग आउट। व्हेन वी सप्रेस आवर फीलिंग्स ना, वो अलग अलग फॉर्म्स में एक वो दिखती है। अगर आपके पति का अफेयर चल रहा है, आप गुस्सा काम वाली पे निकाल रहे हो, तो वो गुस्सा कहीं और ही निकल रहा है। यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट टू फील एवरीथिंग बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी, दास देवारी है। 20 अप्रैल को आएगी, आपसे दोबारा मुलाकात जल्दी होगी सभी से। 20 अप्रैल को आएगी फिल्म, और एक मॉडर्न डे अडेप्टेशन है देवदास का, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, जिसमें सुधीर मिश्रा काफ़ी माहिर हैं, वो पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, और मतलब उन्होंने बहुत अच्छी अनोखी सी काफ़ी प्रोग्रेसिव एक लव स्टोरी बनाई है। और इसमें जो ओरिजिनल जो नॉवल है, जो कहानी है, उसके मुकाबले जो पारो का कैरेक्टर है वो सबसे अच्छा है, अलग है जी। अभी तो टाइम है ना, हमें एक्चुअली हम वी वर जस्ट गैदरिंग रिसोर्सेज, अब प्रमोशन तो अब शुरू होगा। जी 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 नो थैंक यू फॉर योर फीडबैक, आई विल डेफिनेटली कन्वे इट एट द ऑफिस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं उन एक्टर्स में से हूँ नहीं जो हर चीज़ को कंट्रोल करती है या बोलती है इनके साथ काम करो इनके साथ मत करो, सो आई ओनली प्ले माई पार्ट। जब मुझे प्रमोशंस करने को कहा जाएगा आई विल बी देयर ऑब्वियसली। मैं मान सकती हूँ कि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा होगा आपके लिए। थैंक यू। नो ही विल बी फाइन, आई एम पॉजिटिव ही विल बी फाइन। टुडे आल्सो ही पोस्टेड Oh, I'm not aware. I'm not aware of that. But see, I believe in God and I believe in healing and I believe that he'll be fine. That is my belief. Amen. Thank you. Any last questions, guys? किस लिए? अरे पर ये हमारा इसके लिए कुछ है नहीं। एक काम करो, मैं आने से पहले अपडेट दे दो, आज ये हुआ है, क्योंकि मैं इधर आ गई, मैंने पेपर नहीं पढ़ा, तो मैं प्रिपेयर तो हो जाऊँ। कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हो, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन, मैं फेल हो जाऊंगी। थैंक यू, आई एम सॉरी, आई डिडंट नो। क्यों सजा क्यों हुई? ह्यूमन ट्रैफिक। थैंक यू। 2000 में किसी की फोटोज बाकी है और डाल? नहीं नहीं डाल डाल। थैंक यू। आप लोग अब जा रहे हो? कौन से बिल्कुल सेंटर दोस्त?
हटेगा भाई एक सेकंड कैपिटल लगता है ना हमें